Yes, touching the Sangam water. Yes. Hello friends, welcome back to my channel. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अपने घर में अच्छी तरह से होंगे और सुरक्षित होंगे. तो चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ. मैं आज जो आपको जगह घुमाने वाली हूँ, लेकर जाने वाली हूँ, वो लेह की सबसे फेमस प्लेसेस में से एक है. लेह से नज़दीक होने के कारण यहाँ काफ़ी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं. जो लेह से 35 किलोमीटर निमो के निकट यह सुंदर सा जो जगह है, दो नदियों से मिलकर बना है. और ये जो जगह है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, यह संगम कहलाता है. संगम जगह है जो दो नदियों से मिलकर बना हुआ है. पहले ये मैग्नेटिक हिल्स ही पड़ता है जो लेह से 26.5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर पड़ता है. तो हम लोगों ने जैसे प्लान बनाया कि पहले संगम चलते हैं, फिर लौट कर मैग्नेटिक हिल्स में रुकेंगे. तो पहले हम लोग संगम के लिए यहाँ से रवाना हो गए और हम लोग संगम पहुँच चुके हैं. ये संगम दो नदी का संगम है. यहाँ पे इंडस और जंस्कार. ये आ रहा है इंडस लेह की तरफ से और ये जंस्कार वैली से. यह जो सीन है हम लोगों ने रोड के ऊपर से लिया है, ऊपर के तरफ से. और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे जहाँ ये रिवर है, रिवर के पास जा रहे हैं. तो यह खूबसूरत जगह जो आप देख रहे हैं, यह संगम है जो दो नदियों के मिलने से बना हुआ है. दोनों नदियों के पानी का कलर भी यहाँ अलग अलग आप देख सकते हैं. लेह से नज़दीक होने के कारण काफ़ी टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं. Now, this is the view of Sangam. Indus coming from that side. Leh. Yes, touching the Sangam water. Yes. As Zanskar River is coming from that side. And this Indus is further flowing towards south, towards Kashmir, then to Pakistan. Yeah, you can see the beautiful hills. संगम कहते हैं. और यह वर्ल्ड हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट है, पर यह अभी टूरिस्ट सीजन नहीं होने के कारण यहाँ राफ्टिंग नहीं हो रहा था अभी. और हम लोग फिर मैग्नेटिक हिल्स पर आ गए. यह जो हिल्स है यह साइक्लोपस पहाड़ के पास स्थित है और यह ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करता है, पर रियल में एक यह एक डाउन हिल रोड है जिस पर चीज़ें पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण लुढ़कती हैं. और हमें बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ देखने को मिलता है यहाँ पर. तो ये जो एक टूरिस्ट हैं जो अपनी कार को न्यूट्रल में कर दिया है और देखिए क्या होता है अभी. और जो कार है अपने आप धीरे धीरे पीछे की ओर जा रही है. फिर हम पत्थर साहब गुरुद्वारा आ गए. यहाँ सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने एक राक्षस पर विजय प्राप्त की थी और यह गुरुद्वारा उसी घटना के बाद बनाया गया है. तो मेरी ये छोटी सी कोशिश है आपको एंटरटेन करने की. तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.